आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। आज का टॉपिक है क्यूबिज्म। क्यूबिज्म जैसा अभी मैंने आपको फोविज्म का पढ़ाया है, आप देखोगे कि यहाँ पर भी आर्टिस्ट, इसके अंदर दो लीडिंग पेंटर्स काम कर रहे हैं, मगर इन दोनों में से जो ज्यादा प्रोमिनेंट है वो पिकासो रहेगा। ठीक है, इस मूवमेंट के ऊपर भी जो क्वेश्चन बनेगा वो भी दो तरीके से आ सकता है। एक पूरी मूवमेंट के ऊपर सवाल आ सकता है और दूसरा कंट्रीब्यूशन ऑफ पिकासो आ सकता है। दोनों तरह से सवाल आ सकता है। ठीक है, तो अभी आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। सो टुडे आई विल स्टार्ट विद द क्यूबिज्म। क्यूबिज्म, जैसे कल भी थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रो करवाया था कि फोविज्म और क्यूबिज्म ये दो ऐसी मूवमेंट है जो पैरेलल स्टार्ट होंगी और ये उस टाइम पीरियड के जो रिएक्शन में आर्टिस्ट हैं जो पेंट कर रहे हैं, जो उस टाइम वो टाइम जो मैंने आपको कल काफी डिटेल से समझाया था कि वॉर का खतरा है, अनरेस्ट है सोसाइटी में, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी है, जो जर्मन्स की तरफ से हिटलर है उसकी तरफ से वॉर का खतरा है। तो कंटिन्यूस एक टेंशन का टाइम पीरियड ये फेज है दैट स्टार्ट्स जो अर्ली 20th सेंचुरी है, जो कि आपका तकरीबन 1905 से ये मूवमेंट्स हमें नजर आनी शुरू हो जाती हैं। 1905 से पहले जितना काम हमने देखा लेट 19th सेंचुरी का से अर्ली 20th सेंचुरी के 5 साल जो हैं उसके अंदर हम ये देखते हैं कि आर्टिस्ट जो है पहले पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट हैं जो कि इम्प्रेशनिज्म से भाग रहे हैं, उसके बाद उनके कामों को उठा के, पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट के कामों को उठा के जो अब यंग आर्टिस्ट 1905 के बाद आ रहे हैं वो और ही तरीके से और स्टाइल से अपने कामों को मेच्योर कर रहे हैं। और असल में उनका क्या काम है कि वो क्योंकि ये सबसे रिच टाइम पीरियड है यूरोपियन हिस्ट्री का, मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसके अंदर 1905 में पैरेलल बहुत से मूवमेंट स्टार्ट होती हैं। एक आपने पढ़ी फोविज्म, दूसरी आज आप क्यूबिज्म पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि साथ ही थोड़ा सा और एक आध साल के बाद एक्सप्रेशनिज्म जो जर्मनी में स्टार्ट हो जाएगी। अब ये तीनों मूवमेंट्स पैरेलल हैं और तीनों की तीनों मूवमेंट्स ने अपने टाइम पीरियड के अनरेस्ट को अपने अपने तरीके से पेंट किया है। आप देखेंगे कि फोविस्ट जो थे वो ब्रूटल वाइल्ड अफ्रीकन स्कल्पचर्स, पर्जियंस के मोटिव्स और डेकोरेटिव उसके अंदर चले गए। जो काम इस हेनरी मेतिस का भी वॉर से पहले था वो ज्यादा फोर्सफुल था, जो वॉर के दौरान इसके आपने देखे हमने एकदम से कि कलर्स भी म्यूटेड हो गए, उसके कलर्स की सब्जेक्ट मैटर भी चेंज हो गया क्योंकि वॉर का टाइम पीरियड बहुत टेंस एक पीरियड था जिसके अंदर उसके कलर्स भी खत्म हो गए उस तरह के। लेकिन जब थोड़ा सा और आगे जाकर उसने, और उसकी ये पेंटिंग ज्यादातर खरीदी भी रशियंस ने थी, अमेरिकन्स ने, रशियंस ने, यूरोप में नहीं इतनी पॉपुलर थी। और उसने फिर डेकोरेटिव एलिमेंट्स, अगर आपको याद है जो उसने डेकोरेटिव ऑडलिस्क्स बनाई हुई है, बैकग्राउंड में पर्शियन रेड कलर्स लगे हुए हैं, वॉलपेपर बड़े कलरफुल है, और ये चीज हम इससे पहले गुगैन के काम के अंदर देख के आए हुए हैं। अच्छा, अब क्यूबिस्ट क्या करेंगे? क्यूबिज्म के अंदर हम ये देखेंगे कि जो हेनरी मतीस मूवमेंट स्टार्ट करता है वो स्टिल थोड़ा सा अपनी पेंटिंग्स के अंदर फॉर्मल फॉर्म और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग का कॉम्बिनेशन करेगा। उसमें वो थिक आउटलाइन इस्तेमाल करेगा, बहुत ही रिदमिकल लिरिकल आउटलाइन है हेनरी मतीस की, और फ्लैट कलर एरियाज जो के इस्तेमाल कर रहा है गुगैन। ये दोनों चीजें गुगैन से बोरोड है और गुगैन के जो चीजें थी उससे ये इसको बहुत आगे लेकर गया। अच्छा, एक चीज और मैं आपके साथ डिस्कस करना शायद कल भूल गई हूँ। जब हमने फोर्ब्स को देखा था, यहाँ आपको मैंने एक बात बताई थी जब हमने गुगैन को पढ़ा था, गुगैन ने कहा था कि इससे हेनरी मतीस से एक दफा किसी ने पूछा कि मैं जो लैंडस्केप पेंट कर रहा हूँ तो मैं इसको कैसे पेंट करूँ। उसने कहा तुम लैंडस्केप में क्या देखते हो? उसने कहा मुझे ग्रीन कलर दिखता है, तो कहता है स्काई में ब्लू दिखता है और लीव्स में ग्रीन कलर दिखता है फॉलीज। उसने कहा कि तुम इतना ज्यादा ग्रीन अप्लाई करो कि वो सिर्फ ग्रीन लगे, दिस इज नॉट, अब यहाँ ग्रास देखो कि अगर वो लैंड को ग्रास से रिप्रेजेंट कर रहा है तो दिस इज जस्ट अ कलर ग्रीन, कोई भी इसकी वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अब पीछे अब स्काई है या पानी है, व्हाटएवर इट इज, उसने सिर्फ एक ब्लू कलर लगाया हुआ है।
जो कि एक एक्सप्रेसिव कलर है, एक एक्सप्रेशन है उसका जो वो पेंट कर रहा है, और जो बॉडी मूवमेंट्स जेस्टर्स हैं टोटली डिस्टॉर्टेड और एब्स्ट्रैक्ट बॉडीज हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट और एक्सप्रेशन है जॉय का, लाइफ का. ठीक है, तो वो उसने कहा कि अप्लाई एज मच ग्रीन एज यू कैन. और फिर उसकी जो स्टेटमेंट हेनरी मतीस की थी, अ मीटर ऑफ ग्रीन इज मोर ग्रीन देन अ सेंटीमीटर ऑफ ग्रीन. मीटर और सेंटीमीटर का फर्क पता है? सेंटीमीटर छोटा होता है, कभी स्केल पर देखना, और एक मीटर के अंदर 100 centimeters होते हैं. यानी उसके कहने का मतलब ये है कि जो रंग आपको दिख रहा है, एक्सप्रेसिव दिख रहा है, उसको पूरा का पूरा वही कलर लगा दो, उसकी टोन्स, उसकी फॉर्म्स, उसकी उस रेंडरिंग और उसके अंदर से वो फॉर्म निकालना, उन चीजों से वो निकल गया हुआ है, बट स्टिल उसकी ड्राइंग और उसके कलर्स बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है. अब यहाँ पर आकर हम देखेंगे कि पिकासो जो चीज स्टार्ट करेगा क्यूबिज्म में, वो प्रैक्टिकली इतनी कन्विंसिंग शायद ना हो हिस्टोरियंस के लिए, बट थ्योरेटिकली जो चीज उसने लिखी, वो लिखता था जब अपने काम के बारे में, तो उससे पता चलता है कि वो कर क्या रहा था, उसकी थ्योरी क्या थी. तो जो सजैन, जो पिकासो और बराक क्यूबिज्म में काम करेंगे, तो ये जो है इट इज मोर थ्योरेटिकल देन इट्स एप्लीकेशन. ठीक है, और ये दोनों के दोनों ग्रुप्स जो हैं, अब आप देखो कि ये सजैन की फॉर्मल फॉर्म के इंटरेस्ट से इंस्पायर हो रहे हैं, और जिसमें हम देखते हैं कि जो फॉर्म है वो रीबिल्ड करेंगे कॉम्पोजिशन को फ्लैट कलर और एक्सप्रेसिव लाइंस के साथ. और इसी तरह गुगेन का जो रोमांटिसाइज रोमांटिक एक्सोटिसिज्म था, कि वो एक्सोटिक प्लेसेस पर चला गया था और वहां से वो इंस्पायर हो रहा है, जो एक्सोटिक स्कल्पचर्स हैं वो चीजें इन्हें एक्सप्रेशन और एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिस्ट पेंटिंग्स की तरफ लेकर जा रही हैं. अब जो क्यूबिस्ट हैं उनकी जो अप्रोच है, यानी कि फॉव है वो थोड़ा सा कलर की तरफ है, फॉर्म के साथ कलर की तरफ है, तो जहाँ कलर है वहाँ एक्सप्रेशन है, वहाँ इमोशंस हैं. और जो क्यूबिस्ट हैं उनकी जो अप्रोच है वो थोड़ी डिफरेंट है फॉवर्स से. दे आर मोर इंटेलेक्चुअल, दे आर मोर थ्योरेटिकल, एंड दे डिपेंड अपॉन द थ्योरी ऑफ सजैन ऑफ फॉर्मल एस्पेक्ट्स ऑफ फॉर्म. ठीक है, और स्पेशली जो कि सजैन के टाइम आखिरी, अगर आपको याद हो जो मैंने आपको उसके दिखाए थे कुछ वाटर कलर स्केचेस, जो इसने बिल्कुल एंड में स्केचेस अपने वाटर कलर लैंडस्केप्स के किए थे, ये वाले. और एक आपको पेंटिंग दिखाई थी, पेंटिंग्स तो शो ही नहीं हो रही, एक ही पेंटिंग आई है. स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है, बस वो मैन वाली पेंटिंग वहीं पर ठहरी हुई है. अभी कोई चेंज नहीं हुई, अभी भी अब हुई है? नहीं. अच्छा, नहीं. अच्छा, मैं फिर दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ.